पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड, इन दोनों मुल्कों की आज़ादी के बाद से अब तक इस खित्ते की दो बड़ी शोबिस इंडस्ट्रीज शुमार की जाती हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं। वैसे तो पाकिस्तान के सभी अदाकारों की एक ख्वाहिश ज़रूर होती है और वो ये कि वो भारतीय फिल्मों में काम करने के लिए भारत जाएं, और ऐसे ही अदाकारों की एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट भी है जो या तो भारत के अंदर जाकर काम कर चुके हैं या फिर इस बात का शौक ज़रूर रखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन मशहूर भारतीय अदाकारों का जिक्र करेंगे जो पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों के अंदर अपने जलवे बखेरने के लिए पाकिस्तान आए। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर एक, ओम पुरी। ओम पुरी भारत के एक लेजेंडरी अदाकार हैं जो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड तक भी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ चुके हैं। वैसे तो आज ओम पुरी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन जब वो जिंदा थे तो पाकिस्तान के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बड़े अच्छे जज्बात रखते थे। ओम पुरी ने अपनी ज़्यादातर फिल्मों के अंदर एक मुसलमान के तौर पर किरदार अदा किए और पाकिस्तान आकर फहद मुस्तफ़ा के साथ एक्टर इन लॉ के अंदर काम किया। इस फिल्म में उन्होंने फहद मुस्तफ़ा के वालिद के तौर पर अपना किरदार अदा किया, जिसे पाकिस्तान समेत सरहद पार भी खूब सराहा गया। नंबर दो, जॉनी लीवर। अगर आपसे मैं आपके पसंदीदा भारतीय अदाकार के बारे में पूछूं, तो आप जॉनी लीवर का नाम ज़रूर लेंगे, जो कि भारतीय फिल्मों के एक लेजेंड हैं और अपनी कॉमेडी की वजह से बड़े ही शोहरत रखते हैं। उन्होंने भारत की बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बखेर कर इनको और ज़्यादा बड़ा बनाया और आज भी बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा हैं। जॉनी लीवर भी पाकिस्तान आकर काम कर चुके हैं और उन्होंने साल 2011 में पाकिस्तानी फिल्म लव में गुम के अंदर मोहम्मद राना और रीमा के साथ काम किया, और ये फिल्म भी जहाँ एक तरफ पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक में भी काफ़ी मकबूल हुई, वहीं जॉनी लीवर की अदाकारी को भी खूब सराहा गया। नंबर तीन, नेहा धूपिया। नेहा धूपिया भारत की एक कामयाब टीवी और फिल्मी अदाकारा हैं जो इस वक्त भी बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर शख्सियत में शुमार की जाती हैं। वो अपने दबंग और बोल्ड स्टाइल की वजह से खासी शोहरत रखती हैं और उन्होंने तकरीबन सभी बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम कर रखा है। साल 2008 में नेहा धूपिया ने पाकिस्तानी फिल्म कभी प्यार ना करना के अंदर एक आइटम सॉन्ग किया, जिसको इस फिल्म से भी ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। इसके अलावा नेहा धूपिया ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अगर इनको ऑफर हुई तो वो मजीद पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर काम करने की भी ख्वाहिश रखती हैं। नंबर चार, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्मों के अंदर उस वक्त से काम कर रहे हैं कि जब फिल्में ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थीं। नसीरुद्दीन शाह की भारतीय फिल्मों की तादाद को शायद कोई गिन भी नहीं सकता, लेकिन साल 2007 में उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में काम किया, जिसमें उन्होंने एक मौलाना का किरदार अदा किया था। इस फिल्म को और नसीरुद्दीन शाह की अदाकारी को पाकिस्तानियों की तरफ से खूब सराहा गया और इनको अपने इसी काम की वजह से बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। नंबर पाँच, किरण खेर। इंडिया के फिल्मी सितारों और पॉलिटिक्स का वो नाम जो खुलकर पाकिस्तान की और मुसलमानों की मुखालफत करता है, इनमें से सबसे बड़ा नाम अनुपम खेर का है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि इनकी अपनी ही बीवी और इंडिया की टॉप की अदाकार यानी किरण खेर ने भी पाकिस्तान में आकर काम कर रखा है। किरण खेर ने साल 2003 में पाकिस्तानी फिल्म खामोश पानी के अंदर काम किया और इसी फिल्म के अंदर एक और भारतीय अदाकारा शिल्पा शुक्ला भी उन्हीं के साथ थी। इस फिल्म को भी काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई, जिसमें किरण खेर ने एक मुसलमान का किरदार अदा किया, लेकिन किरण खेर इसके बाद फिर दोबारा कभी भी पाकिस्तानी प्रोजेक्ट के अंदर नज़र नहीं आई और आजकल अपनी सेहत को लेकर चंद मसाइल के अंदर मुब्तला हैं। नंबर छः, श्वेता तिवारी। भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री की क्वीन और सबसे बड़ी अदाकारा श्वेता तिवारी का नाम भी उन्हीं अदाकारों की लिस्ट में आता है जो पाकिस्तान में आकर काम कर चुके हैं। श्वेता तिवारी ने कसौटी जिंदगी की ड्रामे से खूब शोहरत समेटी और इस ड्रामे ने इनको सारी ही दुनिया के अंदर बड़ा मकबूल बना दिया।
लेकिन भारतीय ड्रामों की जान श्वेता तिवारी ने भी साल 2014 में पाकिस्तानी फिल्म सल्तनत के अंदर काम कर रखा है। उनकी ये फिल्म तो कुछ ज्यादा हिट ना हो सकी, मगर इस फिल्म में श्वेता तिवारी को और इनकी अदाकारी को खूब पसंद किया गया। लेकिन इसके बाद से अब तक श्वेता ने मजीद पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं किया। नंबर 7, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो कई दहाइयों से लोगों की जुबान पर है। इनकी भारत के लिए की जाने वाली फिल्मों की तादाद बेशुमार है और वो अपने ज़माने के एक बड़े मकबूल हीरो भी हुआ करते थे। साल 2008 में विनोद खन्ना ने पाकिस्तानी फिल्म गॉडफादर में एक डॉन का किरदार अदा किया और इसके अलावा भी इस फिल्म में बहुत सारे भारतीय अदाकार भी शामिल थे और इनकी इस फिल्म को भी पाकिस्तानी समेत भारत के अंदर भी खूब पसंद किया गया। नंबर 8, अरबाज खान। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान के बारे में तो आप यकीनन जानते होंगे, मगर शायद आप ये ना जानते हों कि उन्होंने भी बॉलीवुड के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर भी काम कर रखा है। अरबाज खान भी साल 2008 में पाकिस्तानी फिल्म गॉडफादर के अंदर शाकिर खान का किरदार अदा कर चुके हैं। नंबर 9, सारा खान। सारा खान इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक मशहूर ड्रामा और फिल्म एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अनगिनत ड्रामों के साथ साथ कई बॉलीवुड फिल्मों के अंदर भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रखे हैं, मगर इनको सबसे ज़्यादा शोहरत इंडिया के मशहूर शो बिग बॉस से हासिल हुई और उन्होंने मिस भोपाल का टाइटल भी अपने नाम कर रखा है। साल 2016 में सारा खान ने पाकिस्तानी ड्रामा के अंदर काम करने के लिए पाकिस्तान का रुख किया और यहां पर उन्होंने ARY के ड्रामा बेखुदी में नूर हसन के साथ काम किया, जिसको पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ इंडियन लोगों ने भी खूब पसंद किया और इसके साथ साथ इसी ड्रामे को लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने एक और ड्रामा लेकिन में काम किया और मजीद ड्रामों के अंदर काम करने की भी वो ख्वाहिश रखती हैं। नंबर 10, गुलशन ग्रोवर। बॉलीवुड में बैड बॉय के नाम से मशहूर गुलशन ग्रोवर को भी आप ज़रूर जानते ही होंगे। ये अपने विलन के किरदारों की वजह से बड़े ही मकबूल हैं। उन्होंने भी बॉलीवुड की 400 से ज़्यादा फिल्मों के अंदर काम किया और दीगर अदाकारों की तरह उन्होंने सिर्फ एक पाकिस्तानी फिल्म के अंदर काम कर रखा है। साल 2010 में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फिल्म विरसा में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और इनके इस किरदार को भी पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान में भी खूब पसंद किया गया।